बीजेपी ने आज जेडीयू से भी साफ कह दिया कि वो मोदी पर कुछ ना बोले और अगर ऐसा हुआ तो वो इसकी परवाह नहीं करेगी। जेडीयू पर जवाबी हमला बोलने से पार्टी नहीं चूकी। मुख्यमंत्री गोवा में बीजेपी ने मोदी के हाथ में 2014 के चुनाव की बागडोर थमा दी तो इससे एनडीए के भीतर गहमा गहमी बढ़ गई। मोदी के नाम से ही भिदकने वाले जेडीयू ने इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। कर्नाटक में पिछले बार चुनाव हुआ, पिछले विधानसभा में वो नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे, रिजल्ट क्या हुआ? डाक के तीन पात। इसलिए ये नहीं साबित करता कि उनके जाने से सीट निकल जाएगा। जेडीयू के ये तेवर पुराने हैं, लेकिन अब बीजेपी का अंदाज भी बदल गया है। पार्टी ने मोदी पर सवाल खड़े करने वालों को दो टूक जवाब दे दिया है। हम अगर देश की सत्ता के करीब पहुंचेंगे तभी गठबंधन हमसे लुक करते हैं। हमारी शक्ल देखकर तो कोई हमसे गठबंधन नहीं करता। हम तो जैसे थे वैसे हैं। हमें सेक्युलरिज्म का प्रमाण पत्र किसी से नहीं चाहिए। पहले जेडीयू इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बता रही थी, लेकिन जो ही मोदी के नाम का ऐलान हुआ उसकी त्योरियां चढ़ गईं। आने वाले दिनों में मोदी बिहार में हुंकार भरने वाले हैं। सवाल यह है कि अब मोदी के बिहार पहुंचने पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन का क्या होगा। गोवा से यतेंद्र शर्मा के साथ शिशिर चौबे, पटना, इंडिया न्यूज। जब हवा पक्ष में बहती है तो विरोधी भी साथ खड़े हो जाते हैं। मोदी के साथ भी यही हुआ। कल तक उनके खिलाफ रहे पार्टी नेताओं के सुर भी 24 घंटे के अंदर बदल गए। बीजेपी ने मोदी के पक्ष में समय का पहिया ऐसा घूमा कि सभी विरोधी एक एक कर किनारे हो गए। गोवा की बैठक में आडवाणी नहीं गए, उमा भारती नहीं गईं, यशवंत सिन्हा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें नमोनिया नहीं हुआ फिर भी नहीं गए। शत्रुघ्न सिन्हा अभी चुप हैं। सबसे पहला बयान उमा भारती की तरफ से आया। उमा भारती ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी और गोवा की बैठक में नहीं आने की वजह बताई। मीडिया पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आदरणीय राजनाथ जी, मैं कल से लगातार मीडिया में गोवा में होने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बारे में टिप्पणी देख रही हूं तथा दुखी हो रही हूं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी को अपना शिकार बना लिया है, जिसका एक उदाहरण मैं भी हूं। ये तथ्य है, मेरा और आपका संबंध राजनीति से परे भाई बहन का संबंध है और ये लगभग 30 साल से है। मैं सदा आपके साथ हूं। मेरे कारण आपको हुई शर्मिंदगी के लिए आपसे एवं संपूर्ण कार्य समिति से क्षमा मांगती हूं। सादर, उमा श्री भारती। उमा की चिट्ठी के 12 घंटे बाद मोदी को प्रचार कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। यशवंत सिन्हा जो एक दिन पहले तक कह रहे थे हमें कोई नमोनिया नहीं हुआ, वो मोदी को कमान सौंपे जाने के बाद मीडिया के सामने आए। एक दिन के अंदर उनके भी सुर बदले हुए थे। हमें कोई नमोनिया नहीं हुआ है, मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन गोवा नहीं जाने के और भी कई कारण हो सकते हैं। गोवा की बैठक में अंदर ही अंदर आडवाणी के साथ रहे अरुण जेटली भी वक्त के साथ बदल गए। मोदी के नाम के ऐलान के बाद मीडिया के सामने आए और राजनाथ सिंह के फैसले को सही ठहराया। आपने उस भावना को एक चेहरा दिया है जो इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की भावना भी है। गोवा की बैठक में आडवाणी का खुलकर साथ देने वाले सुषमा चुप रहीं। मोदी के नाम के ऐलान के वक्त सुषमा का चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। यतेंद्र शर्मा, गोवा, इंडिया न्यूज।